C24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बांदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12 दिन पहले चित्रकूट के जानकी कुंड सदगुरु विद्यालय कैंपस से अगवा किए गए दो मासूमों की लाश औगासी जमुना घाट पर मिली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस के खिलाफ परिजनों का जबरदस्त आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांदा जिले में ही फिरौती की रकम वसूलने की बात सामने आने के बाद भी बांदा पुलिस निष्क्रिय बनी रही। लेकिन घटनाक्रम के बाद जिस तरह बांदा से बच्चों की लाश बरामदगी, फिरौती की वसूली और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ जाहिर है बांदा पुलिस के सुरक्षा देने के दावे पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में SP बांदा गणेश शाह अपना पल्ला झाड़ते हुए सतना पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। SP बांदा का कहना है कि यह मामला सतना पुलिस का है, इसलिए इस संबंध में ज्यादा जानकारी देना उचित नहीं है। वहीं बांदा पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और उनका कहना था कि भाजपा सरकार में लूट, डकैती, बलात्कार और हत्या अपहरण धड़ल्ले से हो रहे हैं। इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट।